दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली का राजपथ, जहां से कई बार आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी। सरकार अब इसका नाम बदल रही है। दिल्ली का राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। ये जानकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। नरेंद्र मोदी जी ने बीती 15 अगस्त के दिन लाल किले से दिए गए अपने भाषण से लोगों को भावुक कर दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भारत के किसी भी कोने में गुलामी का अंश ना रह जाए। अब हमें शत प्रतिशत उन गुलामी के विचारों से पार पाना है जिसने हमें जकड़ कर रखा है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। दरअसल राजपथ नाम आजादी से पहले का है। जब ब्रिटिश काल में किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे तो उनके स्वागत में स्मारक का निर्माण किया गया था और इसका नाम किंग्सवे रखा गया था। किंग्सवे यानी किंग्स का रास्ता। आजादी के बाद इसका सिर्फ हिंदी अनुवाद यानी राजपथ नाम कर दिया गया था। यही कारण है कि आज इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के मार्ग को राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ नाम दिया जाएगा। इस फैसले के बाद पीएम मोदी के इस भाषण को और मजबूती मिल गई है। साथ ही यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार गुलामी की हर निशानी को 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरे होने तक हटाकर ही रहेगी। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। मोदी जी लगातार इस बात का संदेश दे रहे हैं कि भारत जल्द ही गुलामी की हर एक चीज से आजाद होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।